हानी हानी उठो, दूध पी लो। मैं खुद उठ सकती हूँ। जानती हूं मैं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब जल्दी से ये दूध पी लो, मामा ने हल्दी वाला बनाया है। बनाया भी तो हल्दी वाला। मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, प्लीज। खानी, जब हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो मैंने सामने गाड़ी पे मीरादी को देखा था। अच्छा, अच्छा खानी को छुपा रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तुम्हें पता है तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता, या फिर अपनी बहन से पहली दफा झूठ बोल रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है, वो वहां क्यों खड़ा हुआ था? अरे नहीं सारा, वो बस मेरा पीछा करता है, मुझे रास्तों में रोकता है, डराता है मुझे। खानी, और ये तुम बात किसी को नहीं बता रही हो? कम से कम मामा को तो प्लीज बताओ। मामा को मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है, मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। खानी, अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कहीं ये एक्सीडेंट उसी ने तो नहीं करवाया? नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पता नहीं वो क्या चाहता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझसे अजीब अजीब से सवाल करता है कि मैं उससे डरती क्यों नहीं हूँ। उस दिन उसके हाथ में गन थी जब उसने मुझे रोका, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये एक्सीडेंट भी उसने नहीं कराया है। खानी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? उसने तुम्हें रोका, उसके हाथ में गन थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मामा को तो बताओ ये बात। तो मामा को कुछ नहीं बोलोगी? मैं बहुत बहादुर हो चुकी हूँ, ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मगर खानी, प्लीज सारा, ये बात मामा को नहीं पता चलनी चाहिए, वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी, फिर काम कैसे चलेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। मीरादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता,